नमस्कार दोस्तों, ये जो जर्जर बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है, बस इस बोर्ड की हालत जर्जर है, फैकल्टी की हालत एक नंबर है। तो आज हम आपको पूरा कला संकाय दिखाने वाले हैं। कला संकाय आर्ट्स फैकल्टी एंड सोशल साइंस फैकल्टी दोनों एक ही जगह पड़ता है। सोशल साइंस फैकल्टी बोल सकते हैं, ये सामने है आपके, लेकिन हम यहाँ पे आज सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी का ब्लॉग देखेंगे। लॉकडाउन में ताले लगे हुए हैं गेट पे, किनको इनको ताला ये ख़राब लग रहा है, कौन कौन BHU आना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं जी, कितने लोग अभी तक एडमिशन ले चुके हैं और अभी तक BHU भी नहीं आए हैं। तो उनकी सारी पठन पाठन की प्रक्रिया घर से हुई है, वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए अभी तक। हम ऐसे ही लोगों की बातें करेंगे और उनसे ही बातें करेंगे जिन्होंने एडमिशन लेकर भी इस यूनिवर्सिटी को नहीं देखा है। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम बोले तो यहाँ पे सारे कल्चरल फेस्ट कराए जाते हैं, जितने भी फेस्ट सोशल साइंस एज वेल एज आर्ट्स फैकल्टी। और आप लोग सुने होंगे भारतीय प्रवासी दिवस, तो वो भी यहीं मनाया जाता है, इसी मनाया जाता है। और संस्कृति जैसे कार्यक्रम, फंडेड कार्यक्रम जो BHU खुद करवाती है, पहले संस्कृति होता है, फिर सोशल साइंस फैकल्टी का होता है, फिर साइंस फैकल्टी का आकांक्षा होता है। ऐसे ही करने के बाद एक जो भी चयनीय ग्रुप होता है, वो समझ आइए, वो स्पंदन में जाता है, स्पंदन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे ऐसे कल्चरल फेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं, आप लोगों को दिखाते चले जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे आगे आने के बाद एक ऑडिटोरियम पड़ता है। ऑडिटोरियम प्रेमचंद सभागार इसका नाम है। काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है, मतलब काफ़ी लोगों के बैठने के लिए फैसिलिटीज़ हैं इसमें। आप देखेंगे रो वाइज क्लासेस बनी हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आप ऐसे बैठ सकते हैं, तो आपको बोर्ड देखने में काफ़ी आसानी होगी। लिफ्ट भी लगा है इसमें, तो समझ लीजिए आर्ट्स फैकल्टी का ये पहला बिल्डिंग है जिसमें लिफ्ट लगा हुआ है। तो इतनी अच्छी सुविधाएँ जो है वो यहाँ पर दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। बस सारी चीज़ें बंद हैं। तो यहाँ पे ये जो दीवारें हैं आर्ट्स फैकल्टी की, आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब हो गई हैं। इन दीवारों पे कुछ नहीं, बस पोस्टर चिपकाया गया है। ये दीवारें BHU द्वारा बनवाई गई हैं, छासंग BHU में बिल्कुल नहीं है, फिर भी पोस्टर चिपका हुआ है। तो समझ आइए, अपने घरों में आप ऐसे ही पोस्टर चिपका देते हैं, जहाँ पे आपके पिताजी खूब मेहनत करके दीवार बनाते हैं, उस पर पेंट उतवाते हैं, उस पर टाइल्स मार्बल लगवाते हैं, और आप उस पर करके चले जाते हैं। दोस्तों ये जो ऑडिटोरियम है, पीछे से पूरा ऐसा है, पीछे से घुसने का गेट इधर से है, एक बीच में घुसने का गेट है, मतलब ये ऑडिटोरियम पूरा मूवी जैसा। बस यही मैं बोल सकता हूँ कि चेयर वो सोफे वाली नहीं लगी हुई है, बस सब कुछ वैसा ही है। और ये है हमारा सोशल साइंस फैकल्टी, पीछे का गेट है ये। आगे से चलिए हम आपको सोशल साइंस फैकल्टी भी दिखाते हैं। सबसे इलाबरेशन करके पूरा इस ब्लॉक का आर्ट्स फैकल्टी को आपको दिखाएंगे। आप जब LT लेक्चर थिएटर से निकल करके इधर की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्या है, ये जो बिल्डिंग है एक बहुत ख़ास रोल निभाता है। ख़ास रोल किसमें निभाता है, मतलब ऐसा क्या होता है इस बिल्डिंग में, इसको हमारा UG लाइब्रेरी भी बोला जाता है। मतलब इसमें हमारी बुकें रखी रहती हैं, इसमें हमें नोड्यूस कराना होता है, लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, जो पीला दो लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और बुकें उतनी तो नहीं रखी हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बुकें रखी हैं आपके लिए सफिशियंट होंगी। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अधिकांश 80% जो लड़के लड़कियाँ होते हैं फैकल्टी में पढ़ने वाले, आज तक इसमें नहीं गए होंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए, मतलब
फ़ायदा उतना उठाइए जितना पढ़ सके। आप होता ना, जितना खाइए उतना ही पचे, उतना ही खाइए। तो ये है हमारा अभिनव भवन, मतलब इस बिल्डिंग को अभिनव भवन के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिखाने वाले हैं। मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिखा दिया है तो आप हमको भी दिखा दीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर कुछ बढ़े हैं और आपकी वजह से, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए। ये हमारा कला संकाय है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। पहले क्या था, पहले हिंदू कॉलेज था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ऑपरेटेड बाई, संचालनकर्ता कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट इसको दे के गई, इसका नाम आर्ट्स फैकल्टी रखा गया। उस समय कुछ बना नहीं था इसलिए इसका नाम सेंट्रल कॉलेज था। अब उसके बाद सारी चीज़ें बदलनी ज़रूरी थी क्योंकि ढेर सारे फैकल्टी और डिपार्टमेंट मालवीय जी ने भीख मांग मांग के लोगों से बनवा दिए, तो सबका नाम अलग अलग रखना ज़रूरी था। तो इसका नाम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रखा गया। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आपके सामने तड़कता भड़कता कुछ इस टाइप का है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एक अच्छी गार्डनिंग की गई है, बहुत अच्छी, मतलब ये सब कुछ चीज़ें नहीं उगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं एक इको फ्रेंडली माहौल है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है और जस्ट सामने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है। मतलब लोगों के मन में संशय रहता है कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कहाँ है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि यही है हमारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस। आपको हम थोड़ा सा लॉन दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये जो गार्डनिंग की गई है यहाँ पे, ये गार्डनिंग जो घास आप नीचे देख रहे हैं ये लॉकडाउन में उगाई हुई घास है। तो मतलब मैं आपको यही बता सकता हूँ कि एकदम फ्रेश है, बस आपके लेटने का इंतज़ार है इस पर। आप फुल मस्ती करिए बीएचयू में आकर के। हम अभी शूट कर रहे थे बीएचयू स्टूडेंट लाइफ के ब्लॉग में हम आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखा चुके हैं पहले से ही, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का इकलौता हॉस्टल LBS, झूठ बोल रहा हूँ, इकलौता हॉस्टल LBS नहीं है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का बिरला हॉस्टल है, बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी LBS हॉस्टल है, उसके बाद भारत इंदु है। तो LBS हॉस्टल कवर कर लिया है। आज हम चिड़ियों की गुनगुनाहट के बीच में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आए हुए हैं। चिड़ियों की गुनगुनाहट इसलिए क्योंकि काफ़ी प्यारी आवाज़ें लगती हैं मुझे, इनसे अच्छी आवाज़ें किसी की होती ही नहीं है। मुझे तो कौओं की भी आवाज़ अच्छी लगती है क्योंकि वो भी तो पक्षी है। तो सुबह सुबह कौआ यहाँ पे नहीं आता, चरखी टैं टैं करती रहती है। दोस्तों ये है हमारा आर्ट फैकल्टी, आप देख सकते हैं। और सामने मतलब ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिल्डिंग के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है जो कि एक अंग्रेज़ों ने हमें दे करके गए, एक अच्छी खूबसूरत कारीगरी दे करके गए जिसको हम आज कॉपी नहीं कर पाएंगे। BHU में जो नए नए फैकल्टी और डिपार्टमेंट बनते हैं अब ऐसे नहीं बनते हैं, पुराने ज़माने की तरह बनते हैं। तो ये जो आकृति है आपको अब कहीं भी देश में देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसको बनाने वाले अब नहीं रहे। तो ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, एक बार देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई भी क्लास, कोई भी फैकल्टी, कोई भी बिल्डिंग इंडिया में ऐसी नहीं बनी हुई देखेंगे आप। अगर देखेंगे भी तो वो पुरानी हो चुकी होगी, मतलब पुरानी पुरानी बिल्डिंग होगी, ब्रिटिश साम्राज्य जब थी तब का बना होगा, तभी का बना होगा, नहीं तो नहीं बना होगा। एक पूरा राउंड लेकर के इनको दिखाइएगा, हम एक पूरा राउंड ले रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का पेपर, सिलेबस, कट ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन, कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने मतलब एकेडमिक एजुकेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड। उसके बाद अगर आप BHU के छात्र हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा
कि ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है, एचओए में क्या पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, और उनका ब्लॉग, मतलब आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे इतने ढेर सारे ब्लॉग हम लोगों ने बीएचयू पे बना दिए हैं कि आप देख करके खुश हो जाएंगे, और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। आफ्टर ऑल ये आपकी यूनिवर्सिटी थी या फिर है, ठीक है, आप ही की है। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी बोल सकते हैं, ये पूरा रैम बना हुआ है, और क्लासेस की सुविधा हम आपको अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि क्लासेस अभी पूरे हर जगह तार लगा हुआ है। तो ये हमारा कुछ बाथरूम है, इस तरीके का बाथरूम है, इतना पुराने ज़माने का हो गया है कि शर्म भी आ रहा है दिखाने में, थोड़ा सा रिनोवेट कराना चाहिए इसको। और ये है वाटर कूलर, अभी तक वाटर कूलर नहीं लगा है दोस्तों, आर्ट फैकल्टी है, अगर कोई छात्र आवाज़ उठाएगा, आवाज़ उठाने के लिए वो फ्री ही नहीं है ना, वो तो किसी न किसी मस्ती में बह रहा है, उसके पास तो समय ही नहीं है। ये हमारा सबसे अच्छा डिपार्टमेंट क्योंकि मैं इसमें पढ़ता हूँ, जैपनीज सेक्शन है ये, जैपनीज डिपार्टमेंट, और काफ़ी पूजनीय लोग यहाँ पढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा ही पूजनीय लोग। ये है हमारा फ्रेंच स्टडी डिपार्टमेंट, दिस इज ओनली वन डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच इन बीएचयू, तो फ्रेंच इन बीएचयू ये रहा। ऐसे ही आपको देखेंगे सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और यहाँ से कॉरिडोर से खड़े होकर के आप इधर देखिए, एकदम बहुत अच्छी, मतलब आप यहाँ पे ये दिखाइए भैया, तो ये जो आप नीचे रैम ये रखने का बना है, आप यहाँ पे बैठ करके पढ़ सकते हैं, हवा अच्छी अच्छी आएगी, आप मतलब अपने क्लासेस के बाहर जब तक आपका क्लास छूटता नहीं है तब तक आप बैठिए वहाँ पे, लोगों का इंतज़ार करिए कि आपकी क्लासेस जब शुरू होंगी तब आप पढ़ेंगे, तब तक आप ऐसे ही जगहों पर बैठे रहिए, सीढ़ी बना हुआ है, बैठिए, ये वाईफाई लगी हुई है, 24 घंटे वाईफाई है यहाँ पे, मतलब पूरे फैकल्टी पूरे क्लासेस में वाईफाई, एक एक क्लास में वाईफाई लगा है, एक एक हॉल तक एक बार चलते हैं आपको दिखाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे बाहर तो आपको सोशल साइंस फैकल्टी और आर्ट फैकल्टी कैसा दिखेगा ये भी इनको दिखाइएगा। और ये जो हमारी क्लासेस हैं वो एकदम हाई क्वालिटी की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, मतलब ऐसी यहाँ पे पूरे जो चेयर टेबल हैं वो दिखते ही नहीं हैं, मतलब अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं, तो आप आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्लासेस की सुविधा। जर्जर क्लासेस हैं लेकिन सही है, बहुत अच्छा है, पुरानी चीज़ों को एकदम चेंज नहीं किया गया है, नई नई चीज़ें एकदम इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं, पैसे लेकिन सबके लिए आते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में होगा हम उससे कहीं कितना भी कमी करना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों बस यही रहा हमारा पूरा कला संकाय, कुछ छूटा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपको किसी अलग वीडियो में। ये आर्ट फैकल्टी के बगल में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट है, दृश्य कला संकाय, और बगल में सोशल साइंस है, फिर इधर आपके फैकल्टी ऑफ साइंस है, जिस रैंप पे हम इस रैंप पे जब अगर हम लोग चल के वापस जाएंगे तो आगे फैकल्टी ऑफ साइंस पड़ता है, तो इस हिसाब से हम सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। मैं आपको एक डिपार्टमेंट कवर करके दिखाऊंगा,
सोच तो रहा हूँ कि दिखा दूँ, लेकिन अब देखिए यहाँ से कैसा लगता है ये आपको। ये है आपका कला संकाय जिसमें आप पढ़ने आना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरे हैं और ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में बेवकूफ़ ना बनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी कुछ चीज़ें वहाँ से पाइए। और इसके और पीछे लेके चलते हैं, दोस्तों हम फ्रंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फ्रंट दिखाएंगे आपको। वो है हमारा फ्रंट, हम वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्रंट, हम इसी को देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड थे, एक्साइटेड होने की भी बात है, ये आफ्टर ऑल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। और हाँ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इज़ आल्सो कॉल्ड डायनामाइट फैकल्टी। डायनामाइट फैकल्टी क्यों है, अब इसकी जानकारी आपको डायनामाइट लोग ही दे सकते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा ही डायनामाइट हो गया यहाँ पे, मतलब इतना डायनामाइट हो गया कि अनकंट्रोल्ड डायनामाइट, कहीं भी फट जा रहा है, किधर भी फट जा रहा है। कई लोग बंदूक उठा ले रहे हैं, कुछ लोग चाकू उठा ले रहे हैं। तो समझ जाइए कि आप अगर पढ़ने के लिए आइए तो ऐसा काम ना करिए। मैं बार बार सेंटिमेंटल होकर के मालवीय जी का नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े कि आप उनके मूल्यों को बेकार करिए। पढ़ाई लिखाई उनका, पढ़ा लिखा दांड, समझे हो ना, वही वाला हाल हो गया है। मतलब आप अपने मन की जितनी मतलब अपने मन की जो भड़ास होता है हम उन पे उतारते हैं BHU में एडमिशन लेकर के, जिन पे हमें नहीं उतारना चाहिए। और इस वजह से हमें एक नाम मिलता है डायनामाइट फैकल्टी। डायनामाइट फैकल्टी का उपाधि लेने के चक्कर में हम लोग RDX बन चुके हैं और कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। दोस्तों ये है पूरा फ्रंट आर्ट फैकल्टी का, सोने का गुंबज है, एकदम ऊपर जो गुंबज है सोने का है, पीला कलर का नहीं दिख रहा होगा तो आपको बता दूं, और मजाक कर रहा हूं, कभी चढ़ के उतारे पता चला सोने का नहीं निकला, मरीबों की है। बहुत मारते हैं यहाँ पे प्रॉक्टर, अगर आप छात्र हैं तो कम मारेंगे ही नहीं, पुलिस मारेगी फिर, बहुत मारेगी लेकिन अगर आप छात्र नहीं हैं तो चाचा जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं बड़ी मार मारते हैं, मतलब बहुत हम तहलका मचा देते हैं। ये है हमारा पूरा डिपार्टमेंट, मतलब पूरा फैकल्टी ये है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके वीडियो सेपरेटली बना करके मतलब डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो चैनल पे होगा। हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग वीडियो दिखाया जा रहा है, तो आप साथ दीजिए हमारा, ब्लॉगिंग वीडियो देखिए। और BHU में ऐसे जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं, एडमिशन लीजिए, नीचे दिया हुआ डिटेल पूरा कॉपी करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको एक शानदार सा ये आखिरी दृश्य दिखाते हुए। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा गार्डन है, और मिलेंगे आपसे किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा आपसे विदा लेता है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कोई भी चीज़ें छूट गई हो तो आप हमको ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत सबसे महान।